21 जून वर्ष 2014 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत भारत के योग दिवस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना संपूर्ण राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। ये वह ऐतिहासिक क्षण था जिसके अंतर्गत न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यों द्वारा 90 दिनों से कम समय में इस प्रस्ताव को लागू किया गया, बल्कि भारत के सह प्रायोजक रहे दुनिया भर के 170 राष्ट्रों द्वारा ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित करने वाली सबसे बड़ी संख्या रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 7वीं एनिवर्सरी के अवसर पर हम सब साथ साथ हैं के साथ कोविड-19 महामारी के दौर में बचाव ही उपचार योग ही समाधान के साथ भारतीय दर्शन पहला सुख निरोगी काया आज भी प्रासंगिक है। एक और जहां दुनिया भर में कोरोना ने जो कोहराम मचा के रख छोड़ा है, उसे वैज्ञानिकों चिकित्सकों द्वारा अन्वेषण के आधार उस पर अंकुश लगाए जाने का प्रयास जारी है, तो वहीं योग आचार्यों की माने तो कोरोना के प्रारंभिक दौर में योग ही एकमात्र ऐसा उपचार है जिसके जरिए न केवल हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं बल्कि ताऊ स्वस्थ और निरोग जीवन यापन कर सकते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार यज्ञ और योग का दर्शन आज भी अनुकरण